हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि तीज की पूजा मैंने कैसे की थी, आप सभी ने कैसे की थी वो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सभी की तीज कैसे गई। तो चलिए, हमने सारे सामान जो है मार्केट से ले आए थे यहाँ पर आज हमारे यहाँ आई हैं चुड़ियाएँ, जो कि चूड़ियाँ डालती हैं तो सुहाग के लिए देती हैं, तीज पर आती हैं चुड़ियाएँ। तो मैं शादी के बहुत दिनों, मतलब पहली बार जब से शादी हुई है मैं पहली बार यहाँ पे रुकी हुई हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि चुड़ियाएँ आती हैं सुहाग देने के लिए। तो यहाँ पे आई हुई थी तो मैंने इनसे, वैसे तो मैंने सामान ले ही लिया था मार्केट से, पर इनसे मैंने चूड़ियाँ ली थी, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ली थी और सिंदूर लिया था। कहते हैं चुड़ियाएँ से चूड़ी और सिंदूर लेना ज़रूरी होता है, ये सुहाग देती हैं, शुभ होता है, तो इसलिए मैंने इनसे लिया था। और यहाँ पे देखिए तो मेरी मेहंदी लग रही है, तीज की तैयारी में मेहंदी सबसे ज़रूरी होती है, तो मैंने यहाँ पे मेहंदी लगवा रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि मेरी मेहंदी आप लोगों को कैसे लगी। अभी इसका पूरा लुक देखने को मिलेगा आप लोगों को मेरे दोनों हाथों में किस तरीके से मेहंदी लगी थी, वो आप लोग बताइएगा ज़रूर। अगर आप लोग को मेरा इस तरीके से वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेहंदी का पूरा फुल लुक। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेहंदी किसने लगाई थी, मेहंदी मेरी भतीजी लगाई है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, तो उन्हीं से मैंने ये मेहंदी लगवाई है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये लुक कैसा लगा। और मेरा पूरा लुक इस तरीके से था, हल्का सा मैंने क्लिप लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा। तो आगे का वीडियो आप लोग म्यूजिक के साथ देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।